नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको AMC इंटरटेनमेंट होल्डिंग्स कंपनी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह कंपनी जो है अभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि इसका शेयर प्राइस जो है वह एक ही दिन में 2 गुना हो गया था। जी हाँ दोस्तों, 2 जून को इसके शेयर प्राइस में 100% से ज़्यादा की वृद्धि जो है वह देखने को मिली थी। इसके पीछे क्या कारण है और क्या आने वाले समय में भी इसमें यह तेज़ी रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, AMC इंटरटेनमेंट जो है वह मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जैसे हमारे देश में PVR और आईनॉक्स कंपनी है जो कि बॉलीवुड की फिल्मों है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, वही काम जो है AMC इंटरटेनमेंट करती है। यह अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसका शेयर प्राइस में वृद्धि का कारण जो है, जो अभी कुछ समय पहले गेम स्टॉप में हुआ था, उन्हीं के रेडिएट ग्रुप का यह एक पसंदीदा शेयर है और रिटेल इन्वेस्टकों ने इसमें जो है तेज़ी करने के कारण इसके शेयर में तेज़ी आई है। इसकी तेज़ी के पीछे का एक कारण यह है कि कंपनी ने अभी हाल ही में अपने जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए फ्री पॉपकॉर्न की सुविधा जो है वह दी थी। उनका कहना है कि जिन्होंने उनके पास इस कंपनी के शेयर है उन्हें फर्स्ट समर मूवी पर पॉपकॉर्न जो है वह फ्री में दिया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी वेबसाइट के माध्यम से इनके जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उन सभी से संवाद करने की बात कही है, जिसके कारण जो है इसके शेयर में इतनी ताज़ा जो है वह तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, बता दें इस कंपनी का जो 80% हिस्सा है वह रिटेल इन्वेस्टर के पास है। यानी हम मान के चलिए जैसे इस कंपनी के जैसे 100 शेयर है तो 80 शेयर ऐसे लोगों के पास है जो कि आम आदमी है, उनके पास है। इस कारण से इसका शेयर में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। अगर आप इसका जो है डेली चार्ट ओपन करेंगे और ये देखेंगे तो आप ये देखेंगे 102% की वृद्धि जो है वह देखने को मिली थी। इसका शेयर जो है 35 रुपये पर खुला था और बंद जो है वह 71 रुपये पर बंद हुआ। इसके अलावा जो है आज जो है इसमें गिरावट आई थी और आने वाले समय में भी देखना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो गेम स्टॉप कंपनी थी उसका शेयर भी सभी लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा धराशायी हो जाएगा और उसकी शेयर की प्राइस जो है वह 0 हो जाएगी। लेकिन अभी आप उसके शेयर प्राइस देखेंगे तो उतना ज़्यादा गिरावट जो है वह नहीं आई है, हालांकि उस समय जो है गिरावट आई थी। ये देखिए दोस्तों, ये जो है गेम स्टॉप कंपनी का चार्ट है। जब जनवरी में इसका शेयर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद इसमें गिरावट आई और यह 120 रुपये की रेंज पर जो है काफ़ी समय तक ट्रेड कर रहा, और अभी जो है 257 रुपये की प्राइस पर जो है वह ट्रेड कर रहा है। इसका अपन थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो ये पाएंगे, पहले इसका शेयर जो है करीबन 20 रुपये के करीबन ट्रेड कर रहा था और अभी जो है 200 से ऊपर कर रहा है। यानी मान के चलिए कितनी ज़्यादा तेज़ी जो है वह देखने को मिली है। दोस्तों, इसी तरह की और नॉलेजेबल जानकारी के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।